दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये खीरे के बीज मैंने मंगाए थे ugao.com से, आज इनको हम ग्रो करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ जगह साफ कर ली है और इस जगह पे हम इसको ग्रो करेंगे क्यारी के अंदर। तो चलिए इसके जो सीड्स है वो निकालते हैं। दोस्तों, मैंने काफी सीड्स इस बार लगाए हैं लेकिन सभी पे जो दवाई है उसका कलर कुछ अलग था, लेकिन ये जो है इस पे जो दवाई का जो कलर है वो आपको दिख रहा होगा किस तरह के कलर है, यानी कि इस पे जो बीज के ऊपर जो दवाई की जो कोटिंग है वो थोड़ी नीले रंग की है। होप ये सीड्स काफी अच्छे होंगे। तो चलिए इनको हम लगा देते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैं इनको लगा दूंगा इस तरह से। दोस्तों देखिए, जो सीड्स हैं वो मैंने लगा दिए। अब इनके ऊपर मैं इस तरह से इस पूरे सीड्स पे मिट्टी से इसको कवर कर दूंगा और इसके बाद इसमें पानी दे देंगे हम। देखिए, जो खीरा हमने लगाया था वो अच्छे से ग्रो हो गया है और मैंने इसकी अब जो अपडेट है वो काफी टाइम बाद ली है। अब फिलहाल इस टाइम पे इसमें जो खीरे है वो भी लगने स्टार्ट हो गए हैं। ये प्लांट छोटा है, इससे बड़े प्लांट भी है यहाँ पे। ये देखिए, ये काफी बड़ा है। और दोस्तों, ये खीरे जो है, जो खीरे की बेल है ये ऊपर की तरफ ग्रो करती है। ये देखिए, तो इस तरह से काफी प्लांट है और आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो खीरा है वो भी लग गया है। आपको याद होगा यहाँ पे एक प्लांट था फ्लोर का, वो भी देखिए कितना बड़ा हो गया है। जो फ्लोरिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ये ब्लैंकेट फ्लोर का प्लांट है और इसी के अंदर मैंने कुछ जो प्लांट है वो पंपकिन के लगाए थे। देखिए, पंपकिन की बेल भी अच्छे से ग्रो कर रही है। ये देखिए, खीरा दो तरह के होते हैं, एक तो क्यारी के अंदर फैल जाते हैं और एक होते हैं जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं जो कि पोले हाउस में लगते हैं। तो इस बार जो मैं लेके आया था वो उनमें से जो सीड्स हैं जो मैं लेके आया था वो ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम ट्रेन करेंगे आज। और देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इनके अंदर जो फ्रूटिंग है वो इस तरह से स्टार्ट होगी। ये देखिए, इस तरह से इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट होगी और जो बेल है ये सीधी ऊपर की तरफ ग्रो करेगी। कुछ हाइट तक तो ये अपने आप ग्रो करेगा ऊपर तक, लेकिन ज्यादा जब इसमें वेट होगा तो इस साइड में गिर जाएगा। सीधा जाने से इसमें जो फ्रूटिंग है वो काफी अच्छे से होगी। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या यूज करूंगा, देखिए मैंने जो कपड़े हमने जो अंगूर की बेल के ऊपर जो कपड़े की इस तरह से जो पट्टियां सी निकाली थी यही हम यूज करेंगे और इनके सहारे में इनको ऊपर की तरफ ग्रो करूंगा। तो हमें करना क्या होगा, देखिए जो इसका जो एंड है, जैसे कि हम बोनसाई के अंदर वायरिंग करते हैं मैं उसी तरह से इनको ट्रेन करूंगा। तो देखिए, इसका जो एंड है और इसके अंदर वायरिंग की तरह हमें टाइट नहीं करना, बिल्कुल लूज छोड़ना है। तो इसका जो एंड है इसको हम बिल्कुल नीचे यहाँ पे रखेंगे, इसके एंड में हम इस तरह से इसको रखेंगे एंड, और इसको बांधने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको इस तरह से लपेट देंगे इसके चारों तरफ। ये देखिए, ये ध्यान रखिए कि इसके बीच में कोई फ्रूट या कोई जो फूल है वो ना आने पाए, तो इस तरह से हम इसको लपेटेंगे। आप बीच में स्पेस भी छोड़ सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है इसको ज्यादा नजदीक नजदीक लेना है। तो क्योंकि यहाँ पे ये फ्रूट है तो इस फ्रूट से हम ले लेंगे, तो इसकी साइड से मैं यहाँ से बेल को ले लूंगा। ओके दोस्तों, बस इतना हमें करना है। अब जो बेल है इसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ बांध देंगे। ये देखिए, यहाँ ऊपर मैंने इस तरह से जाल बना रखा है और ये इसी जाल पर मैं इसको फैला दूंगा जब ये खीरे लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने सभी प्लांट को कर दिया है और आप देख सकते हैं इनके अंदर जो खीरे हैं, ये देखिए यहाँ पे खीरा है, यहाँ पे खीरा है, यहाँ पे खीरा है, तो यहाँ पे इस तरह से खीरे लगते जाएंगे और जो प्लांट है इसको हम इसके साथ हमें ट्रेन करना होगा और ये हमें चेक करता रहना होगा कि बाय चांस अगर जो प्लांट है ये हमारी जो रस्सी है इससे अगर बाहर जाते हैं तो हमें उसे मैन्युअली हाथ से इस तरह से चढ़ाना होगा। एक बार ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जो मचान टाइप में मैं जो बनाऊंगा उसके ऊपर इसकी बेल को जो है फैला दूंगा, फिर क्या होगा मचान से नीचे जो फ्रूट्स है वो नीचे लटकेंगे और हम उनको तोड़ पाएंगे। सेम यहाँ पे देखिए, एक मैंने यहाँ पे लगा रखा है,
एक सामने वहां पे है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने इन बेलों को ऊपर की तरफ चढ़ा दिया है। ये सभी बेलें ऊपर की तरफ चली जाएगी और फिर ऊपर क्या है, मैं और मजबूत लकड़ियां लगाकर यहाँ पे एक मचान बना दूंगा, जो ये रस्सियां हैं काफी टाइट कर देंगे और इसके ऊपर जो बेलें हैं वो फैल जाएगी। बेलें इसके ऊपर फैलने के बाद जो फ्रूट्स है वो हम नीचे की साइड से, इस तरह से हम नीचे की साइड से फ्रूट्स लटके रहेंगे तो वो तोड़ सकेंगे। अभी भी काफी प्लांट्स हैं जो मैंने अभी नहीं किए हैं, इनको मैं करूंगा थोड़े से इनको बड़ा होने देने के बाद, ताकि इनमें जो रस्सी है वो इजिली लग पाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।